लोकसभा 2019 के अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान अब अपने चरम पर पहुंच गया है, जहां कांग्रेस भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री देपालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट इंदौर के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के समर्थन में प्रचार करने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देपालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों और गरीबों को घबराने की जरूरत नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। और आप भी चिंता मत करना, टाइगर अभी जिंदा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़। कितने वादे किए, कर्जा माफ तो छोड़ो, मामा मुख्यमंत्री होता तो 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के डलते, धान के डलते, चना मसूर के मैं डालता, मक्का के डालता, उड़द मूंग के डालता, लहसुन प्याज के डालता और गेहूं 2100 रुपए क्विंटल खरीदता और मन में आ जाता तो 200-265 उसके भी डाल देता किसान भाइयों का। शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 महीने भी प्रदेश ठीक से संभाल नहीं सके, जिसके चलते सीएम कमलनाथ ने भी मोबाइल की रोशनी में अपना मतदान किया। भाजपा की जनसभा में पूर्व विधायक मनोज पटेल, भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी सहित बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद रही, जहां शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, INC24 न्यूज़, इंदौर।